हेलो स्टूडेंट्स, आई मनोज सर फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। तो बेटा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सिनोनिम्स का सीरीज चल रहा है, तो आज मैं आपके लिए सिनोनिम्स का पार्ट थर्ड लेकर आया हूं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और मेनली जो कम्पिटेटिव बच्चे हैं, जो डिफेंस के किसी भी तरह का एग्ज़ाम का तैयारी करते हों, और CHSL हो गया, CGL हो गया, तमाम परीक्षाएँ हैं, मैं कितना नाम लूँगा, तो आप बेटा इस वीडियो को पूरा वीडियो को देखेंगे और इसे लर्न भी करना होगा। इसके लिए कोई ट्रिक होता नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि देखो इस ट्रिक से कोई ट्रिक काम नहीं करता है, आपको एनी हाउ इसको लर्न करना ही होगा। तो चलिए इसी के साथ आपको हम पहला वर्ड देखते हैं। देखिए, पहला वर्ड है इसमें इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है परिश्रमी। इंडस्ट्रियस मीन्स क्या होता है? परिश्रमी। और इंडस्ट्रियस का सिनोनिम्स होता है लेबोरियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग। ये सिनोनिम्स में जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सबका मीनिंग एक ही होता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। और देखिए, लेबोरियस मीन्स भी मेहनती या परिश्रमी। डिलीजेंट का मतलब भी होता है परिश्रमी या मेहनती। हार्ड वर्किंग का भी मतलब होता है मेहनती या परिश्रमी। इसी को सिनोनिम्स कहते हैं। इसका हिंदी में क्या होता है? पर्यायवाची। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इमेंस। इमेंस मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल। और इमेंस का सिनोनिम्स होता है वास्ट, ह्यूज, ग्रेट। नेक्स्ट है इनसाइट। इनसाइट मीन्स होता है उकसाना। इनसाइट का सिनोनिम्स होता है सटायर, रॉस, अर्ग, पॉक, इंस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड है इनसेन। इनसेन मीन्स होता है मूर्ख। इनसेन का सिनोनिम्स होगा सिली, मैड, क्रेजी, डाफ्ट, सेंसलेस। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीच। इम्पीच मीन्स होता है अभियोग लगाना। आप सुने होंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया, प्राइम मिनिस्टर या राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, इस टाइप के जो लोग होते हैं उसके लिए एक रूल है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और उसी इम्पीचमेंट का जो वर्ब है होता है इम्पीच होता है। तो इम्पीच का मतलब होता है अभियोग लगाना। इम्पीच का सिनोनिम्स होगा अक्यूज, डिनाउंस, सेंसर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मीन्स होता है फंसाना या उलझाना। इम्प्लीकेट का सिनोनिम्स होगा इन्वॉल्व, इंटेंगल, अक्यूज, लिंक। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनस। इंडिजीनस मीन्स होता है स्वदेशी, और इसका सिनोनिम्स होगा नेटिव, एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। नेक्स्ट वर्ड है इनेविटेबल। इनेविटेबल का मीनिंग होता है अनिवार्य। इनेविटेबल मीन्स क्या होता है? अनिवार्य। और इनेविटेबल का सिनोनिम्स होता है सर्टेन, नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए इनिमिकल। इनिमिकल मीन्स होता है दुश्मनी या शत्रुता पूर्ण। और इनिमिकल का जो सिनोनिम्स होगा एडवर्स या एंटागोनिस्टिक भी होता है। नेक्स्ट जॉय। जॉय मीन्स होता है आनंद, और जॉय का सिनोनिम्स होता है डिलाइट, प्लेजर, गेटी। नेक्स्ट जंक। जंक मीन्स होता है कूड़ा, करकट। और जंक का सिनोनिम्स होगा रविश, वेस्ट, लंप। नेक्स्ट वर्ड है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मीनिंग होता है किशोर, यानी किशोरावस्था, जो जिस मतलब 10 साल से लेकर के 20-22 साल तक के बच्चे को हम जुवेनाइल में लेते हैं। तो ये जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, किशोरावस्था। इसका जुवेनाइल का सिनोनिम्स देखिए होगा यंग, बॉयस, चाइल्डिश। नेक्स्ट वर्ड है जीर। जीर का मीनिंग होता है ताना मारना, किसी के ऊपर ताना मारना। और इसका सिनोनिम्स होता है स्नेयर, स्कॉफ, मॉक, बैंटर, हुट। नेक्स्ट नॉल। नेक्स्ट वर्ड है नॉल। नॉल मीन्स होता है दुष्ट। और नॉल का सिनोनिम्स होगा रास्कल, रोग,
miscreant, wicked. नेक्स्ट वर्ड है किल. किल मीन्स होता है जान से मारना, और किल का सिनोनिम्स होता है मर्डर, मैस्कर, एसेसिनेट, स्ले. नेक्स्ट लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता. लिबर्टी का सिनोनिम्स होगा फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, इमैन्सिपेशन. इमैन्सिपेशन. नेक्स्ट वर्ड है लैक. लैक मीन्स होता है कमी, और लैक का सिनोनिम्स होगा वांट, शॉर्टेज, डिफिशियंसी. नेक्स्ट वर्ड है लेविस. लेविस मीन्स होता है खर्चीला, और लेविस का सिनोनिम्स होगा प्रोफ्यूज, एक्स्ट्रावेजेंट, कॉस्टली, डियर. नेक्स्ट वर्ड है लिटरली. लिटरली मीन्स होता है अक्षरशः, तो लिटरली का सिनोनिम्स होगा एक्चुअली, प्रिसाइसली. प्रिसाइसली. नेक्स्ट लॉयटर. लॉयटर मीन्स होता है मटरगश्ती करना, यानी घूमना, इधर उधर घूमना. लॉयटर मीन्स होता है इधर उधर घूमना, इसको कहते हैं मटरगश्ती करना. और लॉयटर का सिनोनिम्स होता है टैरी, लिंजे, लैग, वांडर. नेक्स्ट है ल्यूक्रेटिव. ल्यूक्रेटिव मीन्स होता है लाभदायक, और ल्यूक्रेटिव का सिनोनिम्स होता है गेनफुल, एडवांटेजियस, यूजफुल. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट. लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, कानूनी. लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी, वैध. और इसका लेजिटिमेट का सिनोनिम्स क्या होता है? लीगल, प्रॉपर, राइट, करेक्ट, बेनफुल. ओके, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार, और मैग्निफिसेंट का जो सिनोनिम्स होता है ग्रैंड, नोबल, स्प्लेंडिड. ओके, नेक्स्ट वर्ड है मेलोंकली. मेलोंकली मीन्स होता है उदास, और इस मेलोंकली का सिनोनिम होगा ग्लूमी, सैड, डिप्रेसिंग, डिजेक्टेड. नेक्स्ट मार्वल. मार्वल मीन्स होता है आश्चर्य, और मार्वल का सिनोनिम्स होगा मिरेकल, वंडर. नेक्स्ट मेजेस्टी. मेजेस्टी मीन्स होता है गौरव, शान, और मेजेस्टी का सिनोनिम होगा ग्रैंडर, डिग्निटी, ग्लोरी. नेक्स्ट वर्ड है मेटिक्यूलस. मेटिक्यूलस मीन्स होता है अति सावधान, और मेटिक्यूलस का जो सिनोनिम होगा केयरफुल, अटेंटिव, प्रिसाइज, फुसी. नेक्स्ट निफेरियस. निफेरियस मीन्स होता है अधर्मी, पापी, दुष्ट, और निफेरियस का सिनोनिम होता है विक्ट, सेम्फुल, अनलॉफुल. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट. ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है जिद्दी, दृढ़. जो जिद्दी हट्टी टाइप का व्यक्ति होता है उसे हम ऑब्स्टिनेट कहते हैं. ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम्स होगा फर्म, डॉज्ड, स्टबबॉर्न. स्टबबॉर्न. नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, और ऑप्टिमिस्ट का सिनोनिम होगा ब्राइट, चेयरफुल. नेक्स्ट वर्ड है ओरल. ओरल मीन्स होता है मौखिक, और ओरल का जो सिनोनिम होगा वर्बल, पैरोल, वोकल या स्पोकन. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस. ऑब्वियस मीन्स होता है स्पष्ट, और ऑब्वियस का सिनोनिम होगा क्लियर, प्लेन, डिस्टिंक्ट, एविडेंट. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेट. ऑब्सोलेट का मीनिंग होता है अप्रचलित, और ऑब्सोलेट का जो सिनोनिम होगा आउटवर्न, एक्सटिंक्ट, डिस्कार्डेड. नेक्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है विशिष्ट, और इसका सिनोनिम होगा प्रोमिनेंट, रिमार्केबल, एमिनेंट. नेक्स्ट वर्ड है पार्डन. पार्डन मीन्स होता है क्षमा करना. पार्डन का सिनोनिम होगा फॉरगिव, एक्सक्यूज, ओवरलुक. नेक्स्ट वर्ड है पिक. पिक मीन्स होता है शिखर, यानी चोटी, और पिक का सिनोनिम होगा समिट, टॉप, अपेक्स, क्लाइमेक्स, जेनिथ
या पिनेकल। नेक्स्ट वर्ड है प्लेज। प्लेज मीन्स होता है प्रतिज्ञा, वादा। प्लेज का सिनोनिम होगा प्रॉमिस, ओथ, वो, स्वेयर, कॉमिट। नेक्स्ट वर्ड है प्रीसियस। प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, बहुमूल्य। और प्रीसियस का सिनोनिम होगा कॉस्टली, डियर, प्राइसलेस, इनवैल्युएबल। नेक्स्ट वर्ड है पैक्ट। पैक्ट मीन्स होता है समझौता। और पैक्ट का सिनोनिम होगा एग्रीमेंट, ट्रीटी, एकॉर्ड या बार्गेन। नेक्स्ट वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना या मना करना। तो प्रिवेंट का सिनोनिम होगा स्टॉप, चेक, रिस्ट्रेन, हिंडर, रिफ्रेन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है बचाना यानी रक्षा करना। प्रोटेक्ट का सिनोनिम होगा डिफेंड, सेव, शील्ड या गार्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध। और प्रोमिनेंट का सिनोनिम होता है एमिनेंट, नोटेबल, डिस्टिंग्ड। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स होता है आगे बढ़ना। और इस प्रोसीड का जो सिनोनिम होगा एडवांस, प्रोग्रेस, मूव और कंटिन्यू। तो बेटा इस तरह से मैंने एक वर्ड का तीन तीन, चार चार, कहीं कहीं पांच पांच वर्ड भी सिनोनिम में डाला है। इसको आप बिल्कुल बाय लर्न बाय हर्ट करिए और बेटा इसी में सफलता है। ओके, तो बेटा इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक जय हिंद।